जब हम चाय चल के लिए जाते हैं ना, और ना हमारे साथ ना कुछ लफड़ा होता है हर टाइम। और आज देखो आज क्या लफड़ा हो गया, रोड ही खत्म है करा इधर यार। कम से कम डेढ़ दो घंटा हमारे को ना यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तब जाके रोड बंद है ना। देखो यार उसकी वजह से ना ट्राले में जाना पड़ा हमारे को, पिकअप बुक करा दिया यहाँ से, अब जाके होटल तक। जल्दी यार हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी हो गए एकदम बढ़िया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ना, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रोड से, एडीवे की होटल से स्टार्ट हो रहा है। अब जिसने मेरे को इस सफर फॉलो करा है ना, उसको तो पता है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमारा जो हमारा ट्रिप है ना, जो हमारा टूर है, हमारा ना दो दिन का टूर है। आज हम जा रहे हैं रोड से जाकर जिसकुन के लिए, रात को वहीं स्टे करेंगे। बाकी बताऊँगा क्या क्या होगा पूरी ट्रिप में सीन ना। तो मेरे को आपको ना बाहर का व्यू चेक करा, तो बाहर का व्यू चेक करो। अभी तो मैं हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम खाना खुना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ देखो नीचे ना सारी कार्स ऑलमोस्ट ना आ गई है यार, स्कॉडा पता नहीं किसके, ये अडीबे के थार होगी, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वैन, स्कॉर्पियो, ब्रेजा, थार, ब्लेरो दिख रही है आपको। बाकी मैंने जाके दिखा दो आपको ना। हेलो हिमालयास, चांचल पास, रुद्रप पास, जिसकुन। गाइस तो अभी ना थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है, हल्की फुल्की स्टिकरिंग हो रही है कार्स में, मैक्सिमम हो ही गई। और यहाँ ये एडीवे का होटल, होटल लोकसभा ग्रैंड, हेलो हिमालय की साइड से पूरा स्टिकर लगा दिया, मैंने चेंज ही कर दिया स्टिकर, पहले अलग था अब अलग कर दिया, अब काफ़ी चेंज आ गया। चेंज ज़रूरी है लाइफ में ना, टाइम के साथ साथ। ये गाइस बस अब ना फ्लैग ऑफ होने वाला है कुछ देर में ना, बस पाँच एक मिनट का। स्टीम सर अभी ऊपर है, हॉल में बैठे हुए ना, अभी वो ब्रेकफास्ट बस कर रहे, उसका बस जैसे ही वो आएगी उसके बाद यहाँ पर फ्लैग ऑफ हो जाएगा, फिर हमारी रैली निकल पड़ेगी। तब मैं दिखाऊंगा आपको कैसा कैसा नज़ारा रहता है बाहर का। यहाँ हमारे बजे दिन के रिपोर्टर भी आए हुए, तो बस ऐसा कुछ बाहर का भी नज़ारा है। ये चेक करो, आज मौसम भी बिल्कुल ही साफ है, आज मौसम हमारे साथ देगा। उम्मीद करते कि पूरा दिन हमारी जो ट्रिप है ऐसे अच्छे मौसम में जाए, अगर मौसम ख़राब होगा ना फिर वो मज़ा नहीं आएगा, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो बस अभी बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, फिर मिलते हैं। देखो अपने एसटीएम सर, बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. Guys, तो अभी हम पहुंचे संदासू, अभी हम है टैशन वे के वॉशिंग सेंटर के पास, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको ना। अभी ना मैक्सिमम ऑलमोस्ट ना सारी कार आ गई, बस एक स्कॉर्पियो एन रह गई, और कौन रह गई, अच्छा एक ब्लेरो रह गई, एक ब्लेरो रह गई, दो कार रह गई, उनका वेट करें यहाँ पर। और ना अभी अपने टायर, गाड़ियों के टायर प्रेशर वॉशिंग वूशिंग करे, थोड़ा मोटा जो होते ना वो 11-44 मारना, नट नुट्स वो चेक करे सब कुछ अपना ना। तो लाइनअप देखो आप यहाँ सामने ना, और ये अपने टैशन वे का वर्कशॉप, वॉशिंग सेंटर, और ऐसा कुछ व्यू है यार बाहर का। ये अपने एडी भैया, हाय, टुडे वी आर गोइंग टू डोडरा क्वार, लोकल टूर टुडे, लोकल ट्रिप। डू वॉच अखिल रंजन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। बाय।
गाइस अभी हम जा रहे हैं खशियाली की साइड ना, जहाँ हम लास्ट वाले ब्लॉग में गए थे कुछ टाइम, बहुत टाइम पहले, जब हमने एक रैली निकाली थी ना चांशल के लिए, तो उसी रैली में हम उससे पहले हम उधर गए थे खशियाली माता के मंदिर, और आज हम उधर ही जा रहे हैं। पहले रोड तो आपको पता होगा पूरा, को कैसा रोड है, मतलब ऑफ रोड जैसा टाइप है इधर ना। आगे 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 सारे आगे, तो मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको ना, और रोड चेक करो रोड कैसा है बाहर यार। गाइस तो अभी हम पहुंचे खशियाली माता के मंदिर, और अभी ना मैक्सिमम हम तो नहीं गए, क्योंकि हमने थोड़ा तो क्या कुछ रीज़न है हमारा ना, तब ने गया मंदिर, और जो हमारा टूरिस्ट लोग आए थे ना वो मैक्सिमम चले गए अंदर। अभी हम कोई है बस ये बाहर यहाँ, और बाहर का व्यू ना कुछ इस तरह का है यहाँ, जब भी आएगा ना कुछ अलग ही मजा आता है यार यहाँ आके। दुर्गा माता मंदिर खुशहाली, और ये अपने मोनू भाई, मेन स्थान माता जी का यहीं था पहले। अच्छा। तो यहाँ की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है बुजुर्गों की, तो बुजुर्ग कहते हैं यहाँ पे, जैसे एक थोड़ा सा रीजन जो माता का यहाँ से जाने का रहा ना, वो थोड़ा सा एक बिल्कुल ही गलत सा था। अच्छा। जैसे कुछ गांव के पुराने संबंध होते थे वो ठीक नहीं थे, तो उन संबंधों के कारण जो है थोड़ा सा, जैसे उन्होंने बुजुर्गों की कहावत है कि यहाँ पे जैसे एक गुंगाओ और लाल गाय से लाल गाय का काट मार जितने करके वो काटते उतने में माता जी ने अपना गड़े के अंदर जो है माता जी यहाँ से निकल गए थे। और ये झील पहले से ही है यहाँ से? हाँ, ये नेचुरल झील पहले से है। इसमें थोड़ा बहुत ये मतलब काम करवाया उसके बाद, फिर पहले से इसमें ऐसे ही था। ओके ओके। देखो ना, जब हम चांशल के लिए जाते हैं ना, और ना हमारे साथ ना कुछ लफड़ा होता है हर टाइम, और आज देखो आज क्या लफड़ा हो गया, रोड ही खत्म है करा इधर यार। कम से कम 1.5-2 घंटा हमारे को ना यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा यार, रोड ही नहीं आगे तो चले। हेलो, अब क्या करेगी इसके बाद, खाना खुना? अब इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर लंच करने, अब यहाँ से हमारे को पैदल ही जाना पड़ेगा आखिर ढाबे वाले। हाँ, वहाँ पे। हाँ, यहाँ से अब 2 घंटे यहाँ वेट करने से अच्छा तो वहाँ चले हैं, खाना खा के आ जाएंगे वापस आ जाएंगे, गाड़ी वाड़ी लॉक करनी पड़ेगी। तो गाइस ये सीन रहता है हमेशा जब भी कहीं जाते हैं ना, लास्ट टाइम भी आपको पता, जब 2 बार गए थे हम चांशल ना बर्फ़ के टाइम में, उस टाइम हम चांशल तक पूरा नहीं पहुँचे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया, और आज ऐसे मौसम, ऐसे साफ मौसम में लफड़ा हो गया, सोच नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पर हो गया, अब क्या करें, झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। रोड बंद है ना, देखो यहाँ उसकी वजह से ना ट्राले में जाना पड़ा हमारे को, पिकअप बुक करा दिया अब यहाँ से, अब जाके होटल तक, अब पिकअप में जाएंगे ट्राले में, फिर दिखाते हैं क्या सीन बनता है। ट्राले का मजा, $2500 वाले बंदे, बस ही नहीं आ गए भाई। इस वक्त हम पहुंचे चांशल रूट के सबसे आखिरी ढाबे में, ये पहले, अब तो इसमें होम स्टे भी हो गया यार, अब हो गया रिपेयर, काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से रिपेयर ना, पहले नहीं था, पहले बस एक मंजिला था, और यहाँ मतलब अभी जब हम बहुत टाइम बाद आए ना, बहुत ज़्यादा चेंज है यहाँ पे, और यहीं पर हमारा लंच होना है, और इस पिकअप में आए हम नीचे से, सोचो यार हमने अपनी सारी कार्स भी चोट में लगाई हुई है, उधर अभी लंच बन गया शायद, दिखा दो अंदर जाके ना क्या क्या लंच पे बना हमारे लिए।
हाँ भैया बस ये हमारा लंच है, दाल चावल पनीर चली, ये सब कुछ है लंच में। ये पता नहीं आप पानी फट गया क्या फट गया है, हाँ इसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया यार। हम खाना खुना खा के भाई पर तब भी इनके बाद तक ये काम ठीक नहीं हुआ, और जाम ना बहुत गंदे वाला लगा है बाहर यार। इधर इस साइड तो परे गांव तक ही लगा, क्या करे कैसे करे। और यहाँ पे टैशन भाई ने अपनी गाड़ी फंसा दी, इतने सीनियर उस्ताद हो के आप गाड़ी फंसा रहे हैं टैशन भाई। एक दो तीन, एक दो तीन, जल्दी यार। इसके बाद जो है इसके बाद टोचन बेल्ट है, स्कॉर्पियो को बात सुनो, बाकी गाड़ियां कर दो ना बैक, इसको रहने दो यही, एडी की गाड़ी निकाल देंगे वही बोल रहे हैं। वीडियो बनाओ इनकी यार, चले 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 लगा दो एडी भाई, वाह निकल गए, ये तो फायदा पूरा फोर व्हीकल का यार। यहाँ देखो ना अभी तक जाम लगा है, हमारी टीम के सारे लोग जाम को निकाल रहे हैं, जाम क्लियर कर रहे हैं। ट्रक देखा आपने कहाँ पर था, और ये ट्रक कहाँ ला लिया हमने यहाँ, बहुत पीछे देखो कैसे जाम लगा दिया, और पीछे लास्ट पे बस भी है यार एक गवर्नमेंट बस। यार आपको पता है अभी ना 4:30 बज चुके हैं फिट ना, और अभी हम रोड से निकल रहे हैं यार, सोचो ना कितना गंदा सीन हुआ होगा हमारे साथ ना यार, और बहुत ही, और ये आगे पका हुआ जाम नहीं लगा यार, जाम है ना सीधा घुमा दी ना माँ कसम हमारी ना, बहुत ही गंदे तरीके से। अभी तुमको क्या हो गया, सामान भूल गया कुछ, क्या करें। तो गाइज अभी हम पहुंचे चांसेस घाटी पर, अभी हम 0 पॉइंट के बहुत ही करीब है, अभी थोड़ा हम यहाँ शूट ले रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी शूट आ रहे हैं यहाँ ना बहुत ही प्यार, और मेरे पीछे का व्यू दिख रहा है क्या सेक्सी लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है यार पीछे का, यहाँ देखो आप पीछे से। टाइम लेफ्ट लग जाए ना अगर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ना, मज़ा आ जाए माँ कसम है, ऐसा ऐसा प्यारा व्यू है ना, बहुत ही प्यारा। और ठंड हो गई है, जैकेट भी पहनना पड़ रहा है, सोचो आप सर में अल्टीमेट ठंड, बाल बुल हो गए खराब। कोहरा ना इस टाइम इतना गंदा हो चुका है ना चांसल पे, अभी हमने 0 पॉइंट में खड़े हैं यहाँ पे ना, और कोहरा इतना है, और ना अभी नज़ारा अल्टीमेट है, बस बाहर कुछ दिख नहीं रहा, बच्चों अभी गाड़ी लगी ना लाइन में, इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, ये और भी थे यार लोग ना आगे, अल्टीमेट ही मज़ा आ रहा है इस टाइम में आज चांसल पे ना, हवा ठंडी ठंडी बहुत ठंडी लग रही है, शुक्र है जैकेट जुकेट भी डाल के रखी अपने भाई, तो मोटी लगानी थी, धुई धुई पड़ गई, फॉग ना बहुत गंदे वाला हो गया बाहर, दिख रहा होगा आपको बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला यार। तो अभी हम पहुंचे क्वार यार, छोटू भाई दीपांशु हो ना घर पे, दीपांशु घर में ही है, नंबर तो नहीं है आपके पास, नंबर तो
यहाँ पर दो टन आते बड़े गंदे वाले। ये अपना दीपक मेहर का घर। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो चुके अभी ना, फिट हो चुके 8:30 और ना अभी हम अभी हम पहुँचे ग्वार। अभी हमने ना यहाँ पर एक होम स्टे बुक करा है और यहाँ मेरे पीछे दिख रहा है कुछ इस तरह का है ये ना, अभी ढंग से नहीं दिखेगा क्योंकि रात का टाइम हो गया बहुत ज़्यादा ना, और यहाँ पर लाइट भी नहीं है। और अभी हम अपना जनरेटर ला रहे हैं कार से ना, भैया पकड़े गए जनरेटर लेने, तो अभी वो लोग जनरेटर लेके आएंगे फिर यहाँ पर तार तूर जोड़ेंगे, उसके बाद जाके यहाँ लाइट आएगी। और अरे परे है इधर लाइट नहीं देख रही, इधर है लाइट, इधर ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं इधर लाइट ना, क्या सीन है हमें तो नहीं पता। तो अभी ये सीन है, और जो हमारे साथ हमारे शेफ़ है ना वो अभी डिनर की तैयारी करे क्योंकि यहाँ ना डिनर का सीन पता नहीं क्या, डिनर नहीं बना हुआ है कि नहीं, क्या नहीं ये बनाना कि हमने ऑर्डर ही नहीं करा था डिनर का ना। तो हमारे जो शेफ़ साहब है वो अभी डिनर डिनर बना रहे किचन में, तो मैं दिखाता हूँ अभी क्या बन रहा है डिनर में। और जो जैसी ठंड ना चांशल में थी ना, वैसी ठंड नहीं है यहाँ, यहाँ थोड़ा टेम्परेचर ठीक नॉर्मल सा है। चांशल में तो ना बहुत गंदा वाला सीन होगा, इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी ना, बाहर धुई पड़ी थी अल्टीमेट वाली। ओह और ऐसा कुछ व्यू तो नहीं दिखा पाऊंगा, व्यू अब सुबह दिखाऊंगा, बाकी अब दिखा दो किचन में क्या सीन है ना। गाइस तो ये फिर हमारी किचन, तो आज क्या बन रहा है? वंस अगेन टी बन रही है अभी, तो मेरे को लगा कोई डिनर की तैयारी लगी हो रही है। इसको डिनर हाँ पनीर बनना आज मेरे भाई, मजा आना है। और यहाँ देखो यहाँ ना कुछ अपनी सामग्री इधर से किचन की जो होती है, जनरेटर ने ना बहुत गंदी आवाजें करी आज ना, अब मेरे को पता नहीं कि साउंड कैसे है कि कैसी नहीं ना। मैं बता रहा हूँ बस कि यहाँ पर ना अभी डिनर में डिनर से पहले ना पनीर पकौड़े बन रहे हैं, बहुत ही क्लास बने, मजा आ गया खा के। आप क्या बना रहे? क्या बना रहे? चिकन यार, चिकन भी बन रहा है, चलेगा, सब कुछ बनेगा ठीक है। पनीर बन गया हाँ, हम तो पनीर मारेंगे।